subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. किया गया प्रयास बड़ा है या छोटा, सफल है या असफल, लिए गए संकल्प और दृढ़ निश्चय से तय होता है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मुखिया जी। बदलापुर कलेक्टर साहब, सबसे बढ़िया बासमती चावल उगाने के लिए राष्ट्रपति जी ने हमारे जिला को इनाम दिया था। इंद्र देवता नाराज हो गए। पिछले 15 साल से बंजर जमीन पे हम आंसू बहा रहे हैं। रुकिए मत मुखिया जी, बोलते रहिए। बोलना क्या है कलेक्टर साहब? 4 साल से हमारी फाइल आपके यहाँ घून खा रही है। कौन सा फाइल मुखिया जी? साहब, पुनपुन नदी से हमारे किरतपुर जिला तक के नहर बनाने की फाइल। कलेक्टर साहब, बस एक बार हमारी फाइल मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दीजिए। मुखिया जी समझता नहीं है आप। एक्चुअली फाइल यहां से वहां जाता नहीं है, बल्कि वहां से यहां आती है। समझ गए? लेकिन तरीके से कागज नीचे से ऊपर जाती है। तुम्हारा तारीफ? राम परवेश पासी, बदलापुर गाँव से। नियम का बात करता है तुम? अरे नियम खुद नियम से नहीं चलता आजकल। कलेक्टर साहब, हम आमरण अनशन करेंगे। करिए, जरूर करिए। और हम तो कहता है कि वो चैनल वालों को भी बुला के लाइए, कार्ड होम देता है आपको। ये लीजिए, कुछ काम नहीं उसके पास भी। दिन भर ऐसे ही घूमते रहता है, चिल्लाते रहता है। काम भी मिल जाएगा उसको, कुछ मसाला भी मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या मिलेगा? ठंडा दिमाग से सोचिए मुखिया जी। अरे भूखे पेट से भगवान का भोजन नहीं हो पाता है, तो वो आवाज कहां से लाएंगे जो ऊपर तक पहुंचे? भूखे पेट से आवाज तो नहीं निकलेगी कलेक्टर साहब, लेकिन उसमें आग तो पकड़ेगी। मतलब आत्मदाह। क्या बकवास करता है तुम मुखिया जी? कलेक्टर साहब, 15 दिन भीतर जो हमारी फाइल ऊपर तक नहीं पहुंची, तो 16वें दिन हम अपने आप को आग लगा देंगे। उसके बाद हर दिन एक एक किसान तब तक अपनी बलि देता रहेगा जब तक हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचेगी और जब तक ये नहर नहीं खुदेगी। बदला
जो कहे हैं वो करेंगे और सब किसान भाई हमारा साथ भी देगा, लेकिन उसका जरूरत पड़ेगा नहीं। आप देखिएगा मुखिया जी, 15 दिन भीतर ही नहर का नक्शा जरूर ही पास हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है राम परवेश, बाकी तुम कुछ ज्यादा ही ताव खा रहे थे। डर तो वो कलेक्टर हमारा जाने से ही गया था, लेकिन तुमको आत्म अरे बिना अकल के जानवर माइंड वाइंड है कि नहीं है? बाबा जब देखो तब मुंह में घुसेड़ देता है। देखा बाबा हम जीत गए। हाँ देखा, चल। अरे अकल की दुश्मन समझती काहे नहीं, किसी ना किसी को तो आगे बढ़कर बोलना ही था ना। वहाँ क्या सबके सब मुर्दे थे जो आपने ही मुंह खोला? देखो जी ज्यादा नेता मत बनो, और वो कलेक्टर के ऑफिस में क्या कह रहे थे, सकीना के आदमी ने सब बताया है हमें। कल हमारे साथ झटका मैया के मंदिर चलना, जरूर कोई कुछ कर दिया है, मति भ्रष्ट हो गई आपकी। सुंदरी जरा सोचो, अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तो क्या आप आत्मदाह करेंगे? मरे आपको आगे कर देते हैं आप तो ना। अब तुम चैन से खाना खाने दोगी या नहीं, ये नेता इन बनकर ही मानोगी? बस अम्मा चुपचाप खा। विजय खाना खाओ, ये तो कबड्डी कैसे खेलोगे, चलो खाओ। बाबा सकीना मौसी के यहाँ से आने के बाद अम्मा रो कह रही थी। मूर्ख है वो, कह रही थी सब आपको आगे करके खेला देखते रहते हैं। कहा ना मूर्ख है वो, इस मिट्टी इस गांव से हमारा पुरखों का रिश्ता है, कोई हमें आगे रखे या पीछे, नहर खुदेगी तो सबका भाग्य खुलेगा। लेकिन बाबा स्कूल में मास्टर जी भी कहते हैं कि ऐसे कामों का फल तभी मिलेगा जब पूरे 42 गांव के लोग मिलकर प्रयास करेंगे। विजय किया गया प्रयास बड़ा है या छोटा, सफल है या असफल, लिए गए संकल्प और दृढ़ निश्चय से तय होता है, ये हमरे मास्टर जी कहते थे। लेकिन शायद उसके लिए बलिदान भी देना पड़े, लेकिन एक बार ऊपर तक बात पहुंचेगी तभी नहर खुदेगी। ऊपर तो भगवान है बाबा। ऊपर के नहीं, उसे थोड़ा नीचे, मतलब मुख्यमंत्री हमारे नीचे के भगवान। बाबा बोलो, नींद आ रही है तो सो जा। ठीक है सो जा। क्या कर रहा है यहाँ? यहाँ काम करने को किसने बोला? कोई नहीं। तो फिर क्या कर रहा भैया यहाँ पर? नहर खोद रहा है। तेरे नहर अगर ऐसे खुद जाती तो तेरा बाप जल के काहे मरता, नहर नहीं खोद लेता। पागल की औलाद, चल यहाँ से। अम्मा कहो ना, हम हर 5वें इतवार को घर वापस आएंगे, अब हम बड़े हो गए हैं। चुप कर, कमीज की बटन तो ठीक से लगानी आती है नहीं, अकेले कैसे रहेगा? सब सीख जाएंगे अम्मा, बिना बाबा के खाट पे अकेले सोना कैसे सीख गए?
लेकिन तुम अकेले रह लोगी ना? नहीं मेरे बच्चे, नहीं रह सकती। अयोध्या सिंह मलिक आ गए। नमस्ते मलिक। सुंदरी, अगली बार जब विजय वापस आएगा ना, तो उसके महीने की दिहाड़ी उसके साथ भेजेंगे, 800 रुपए, ठीक है ना? हाँ, चलते हैं अम्मा। खेलेगा और वहां बकरियां खेत खाएंगी। हाँ, तेरे पूरे साल की दिहाड़ी कम पड़ेगी, जो आज तेरी गलती की वजह से हमने भरपाई की है। इधर आ, कसम खा कि कभी भी काम छोड़कर खेलने नहीं जाएगा। कसम खा, वरना हम तेरी खाल उतर देंगे। खा कसम। कसम खाते हैं मालिक, हम कभी नहीं खेलेंगे। साले छोटी कसम खाता है, छोटी कसम खाता है। तू चांडाल से आदमी कब बनेगा? अरे माई, चुप। गलती की डांट देता, मारने का हक किसने दिया तुझे? खबरदार, जो फिर इसे मारा। पीछे चसू चा। कबड्डी 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 चाचा जी, चाचा आउट करवा दिया। कोई बात नहीं, बैठ जा। कबड्डी 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 चल चल हरी, इज्जत बचा ले, चल चल पकड़ ले, गांव की इज्जत तेरे हाथ में। हरी, क्या कर रहा है तू? क्या डुबा दिया हरी तूने? भाई काम का नहीं है। मतलब तुम लोग नहीं चाहते कि मैं खेलूं? ए ठीक है, चुप। हम लोग हारे
कई की हर बार की तरह ई बार भी सब लोग शुरू से अपनी अपनी जान बचाने में लग गए थे। साला सामने वाले को मारते खाक। हे राजकुमार, अरे समय तो तू भी है। अरे हमने उनके कप्तान को इतनी देर तक दूर में घुसेड़ के रखा, तू आगे आया ही नहीं। छोटे सरकार तो गए थे, तब तक लाइन पे पहुंच गए तो क्या करते। कितनी बार कहा है वर्जिश वर्जिश किया करो, ताकत वाकत बढ़ाओ, ससुरे लोग आई जैसे। एक है सारी, ए ज्यादा लुगाई फुगाई किया ना यही चीर फाड़ देंगे। साला चमचा वहाँ खेलने की जगह भी वफादारी निभाता है। हर वक्त का यही है, हम लोग हारते हैं फिर एक दूसरे पर भौंकते हैं फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। साला कहाँ भुगतना पड़ता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वो जो हमारी सास है ना वो बाहर ही बैठी मिलेगी हमारी बेइज्जती करने के लिए। हार गए? अब हारे हैं तो बेइज्जती तो उठानी पड़ेगी, इसमें का है। तुम्हारी कैसी बेइज्जती बे, तू का खेल रहा था। देख तो रहे थे, और वैसे भी हम टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं। राजकुमार, बैसाख के मेले में किशनपुर की टीम को इन्विटेशन देते हैं, हारने के मामले में हमसे भी T20 कदम आगे है वो। अपने गांव में अगर उनको चित किया तो समझो इज्जत ट्रिपल चौपल। एकदम सही, वैसे भी देनी कितने बचे मेला शुरू होने में, ई बार जम के तैयारी करते हैं। यस का अरे नो, कबड्डी और खाना एक के चीज है, जितना भीतर खुसो उतना। ये तो इनसे खाना बनवा लो या तो फिर इनसे कबड्डी 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 खिलवा लो, बस दुकान पर बैठने में इनके तन बदन में आग लगने लगती है। देख रहे नो, हार कर आए हम, माथा घूम गया तो बवाल हो जाएगा कह दे रहे। तो खेलते ही क्या है हो? जब जानते हो कि बार बार हार ही जाते हो। अरे किसी डॉक्टर ने लिख कर दिया है कि खेलना बहुत जरूरी है। तो तुम काहे रोज थाली भर भर कर खाती रहती हो है, जबकि जानती हो सबर सबर खेत में जाकर जलेबी ही निकालोगी। तो ये तो बस करो, काहे ऐसी गंदी बात करते हो। तेरा बाप चुपचाप से मर नहीं सकता था, जो जाते जाते ये मुसीबत का टीका सिर लगा गया। बदला बदला लिया है उसने हम दोनों। अच्छा, से बदला। आप भी बस करो, आप भी कुछ काम नहीं हो। अम्मा आप अंदर जाके आराम करो, ये तो नहीं मानने वाले। नहीं मानने वाले हम, ये देखा ना पुटिया, देखा है ना, जा रहे हाथ से जाओ। हाँ हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। माई प्रणाम, चलते हैं। खुश रहे बेटा। ए विजय। जी मालिक। जी बाजार में गाड़ी आ गई होगी, मछली लाकर माई को दे देना, और हाँ खटाल की साफ सफाई करके गईयों को नहला देना, और उसके बाद। अरे तू कहाँ जा रहा है अयोध्या? अरे माई वो आज मेले की शुरुआत हुई है ना, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो फिर विजय को भी छुट्टी दे दे, कब से कह रहा था मेले में जाएगा। माई अगर ये जाएगा तो यहाँ पर काम कौन करेगा। चुप कर, तू 50 बरस का बूढ़ा होके मेले में जाएगा और ये बेचारा। विजय तू जा बेटा जा। अरे उससे का पूछ रहा है, वो हमसे बड़ा है का। जा विजय, ये ले बेटा अपनी अम्मा के लिए साड़ी लाना। जी हाँ जा। Come on!
हम बताते हैं, बताते सुन। क्या किशन भैया, 16 साल से आप जानबूझ कर हार रहे हो? कैसी है तू? अच्छी हूँ दीदी, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी लग रही है। हम रेनो और बच्चों को भी ले लेते हैं। चल मेला चलते हैं, चल। अरे तुम लोग चलो, हम बाबा से मिलके आते हैं डायरेक्ट। आ देनो। खास हो गया है क्योंकि मुख्य अतिथि देश की कबड्डी टीम के कप्तान रहे श्री सूरज भान सिंह जी हैं, जो वर्तमान में देश की सबसे अच्छी कबड्डी टीम रेलवे टीम के कोच हैं। उनसे विनती करते हैं कि वो यहां आए और आके दो शब्द कहें। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश के लिए खेल सका। मैं खेल सका क्योंकि मुझे मिला मौका। मुझे यह बताया गया है कि इस गांव की टीम लगातार 7 साल से खेल रही है परंतु एक बार भी जीत नहीं पाई। क्यों? क्या कारण है? मुझे मालूम है कि आपके पास जोश है, दम है, परंतु केवल जोश और दम के बल पर जीत नहीं मिल सकती। जीत पाने के लिए जरूरी है होश, चतुराई और तकनीक का ज्ञान। तो दम, जोश, होश, चतुराई और तकनीक सिखाने का मौका मैं होना चाहता हूं आपके लिए। कदम न होते आवारा। अम्मा कैसे लग रहे हैं? अच्छा। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं। बोलना नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। बार बार मना करने पर भी तू हमारी बात काहे नहीं मानता? फार्म से लौटते वक्त हर बार उसी जगह जाता है, काहे? बाबा से मिलकर सुकून मिलता है अम्मा। खा।
दूल्हा लग रहा है। पिया तो से नैना लगे रे जाने क्या हो अब आगे रे। अगर इस टाइम भी वही हुआ तो क्या करेंगे हरी? नकारों के उदाहरण से ज्यादा बड़ी पहचान नहीं हम लोगों की। साम दाम दंड भेद जैसे हो मैच तो साला जीतना ही है। क्या करती हो? पढ़ती हूँ बीए हिस्ट्री ऑनर्स फाइनल ईयर। और तुम? चौथी के बाद पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। बाबा के जाने के बाद मालिक के फार्म में काम करने लगे। ए डरो मत, हम देखते हैं। ओए मुझे सिर्फ कुत्ते से डर लगता है। हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ले लो। ये भी है। ये भी। बस इतने ही है, 30 रुपए ही थे। कल कुछ और लाएंगे, ठीक है? अरे बाप रे, मर गया। किसी का आदमी दारू पिए चाहे फिर जहर खाए। अरे विजय जी, यहाँ कहाँ से आ रहा है? अरे काकी बद्रू के आ गए थे। अच्छा, सबका भला सोच सोच के हम ही बदनाम होते रहते हैं। रेडियो फेल है इनके आगे। हमें तुम्हारे साथ देखती ना तो पूरे गांव में प्रचार कर देती। क्या तुम ना बहुत खूबसूरत हो,
कमाल है, तुम झूठी बात पर भी खूब शर्माती हो। जा, नाम पूछना तो भूल ही गए। सुनो, ओ, सुनो। देख रहा है? दिनु, चल घुमा, जा दिनु। हाँ, घुमा इसको। हाँ, रहा है यार, कितना घुमा रहा है? घुमाते रहे, बहुत ही है। घुमा इसको। कितना घुमा है, चकरा के गिर गया वो। चल उठ जा, उठ जा, उठ जा। हाँ, अभी हमको भेज देना। चल चल, आजा आजा आजा। वो कहा है ना, थोड़ा खुला छोड़ देना भाई, वो बुढ़िया के सामने इज्जत बनाने का पहला और अंतिम मौका। हाँ भाई, टेंशन नहीं है। मां बांध बांध, अब कमाल देखो। हां देख, अरे अब ये देख, अब ये मटका फोड़ेगा। इसको ऐसे बांधेंगे ना कि सब दिखाई देगा। साधु तू तो बस जमा दे, आ जा। दिनु घुमा, घुमा दिनु, घुमा। अबे कहां भेज दिया? अबे बोल दे, मुश्किल नहीं है। इस बुढ़के को देख, फोड़ेंगे फोड़ेंगे फोड़ेंगे। सीढ़ी तो दी ही नहीं, मटका कैसे फोड़ेगा? अरे कहां ये मटका और कहां ये फुटका? फोड़ेंगे फोड़ेंगे फोड़ेंगे। अरे कहां से फोड़ेगा, मटका तो उधर है। अरे बोने के दिमाग पे पहले से ही कपड़ा पड़ा था, ऊपर से आग पर और बांध दिया। कहां मटका उधर है, पीछे इधर आ। अरे पीछे जाओ, पीछे तो पीछे है। अरे पीछे जाओ, कहां आ रहा है? अरे आगे कहां जा रहे हो? रुक बुढ़िया, आज तुम्हारे दिमाग का इलाज करते हैं। पीछे, अरे पीछे पीछे पीछे। अरे बक्के, अम्मा रुको तो, अम्मा चुप। इधर का आ रहा है। पीछे, हाँ पीछे जाओ, पीछे पीछे। बहनों, गलती हो गई, हमने जानबूझ के नहीं मारा, माफ कर देना। अभी हम, अभी कौन जाएगा? अभी विजय को भेजो। अरे हम कहते फोड़ के आएगा, हाइट वाला आदमी है। कैसे बांधे भाई? अरे बांधे तो दे, ठीक से खड़े रहना विजय भाई। का फोड़ेगा, फोड़ेगा। चल दिनु, घुमा 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 दिनु, घुमा घुमा। छोड़ दे छोड़ दे, जा विजय, विजय जा। देखिए क्या कर, ध्यान से। अरे ये किधर जा रहा है? अरे खुशियों की धारा है, जग मेरा सारा है,
सब कुछ गवारा है। जैनवार मैं तो हुआ तोरा दीवाना दीवाना मैं तो हुआ तोरा दीवाना ओ लगरे ओ मासू ओ मोरा सरगम हो सांसों की माला हो तुम मेरे अधरों का मोती हो आंखों की ज्योति हो मन का उजाला हो तोरे संग ही जिया मोर लागा तुसे बांधा प्रीत का धागा तोरे संग ही जिया से बांधा प्रीत का धागा राधा हुई श्याम की सीता हुई राम की मैं तो हुआ तोरा दीवाना दीवाना मैं तो हुई तोरी दीवानी दीवानी ओ मैं तो हुआ तोरा दीवाना दीवाना कबड्डी 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 कबड्डी। नमस्ते साहब। नमस्ते। तुम नहीं खेल रहे? ये नहीं खेल रहा? नहीं, ये टीम में नहीं है। अच्छा अच्छा, ये किसी और टीम से खेलता है? दोस्त है हमारा, बरसों से बाहर बैठता है। बाहर बैठता है, इसे तो टीम में होना चाहिए। अच्छा खिलाड़ी अगर टीम में ना हो तो हार के मौके बढ़ जाते हैं। साहब हमें अपना प्रैक्टिस करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए, ठीक है ना? काहे के जब से आप यहाँ आए हैं ना, हमारी बेइज्जती थोक के भाव में होने लगी है, हैं? और घर से लेके गांव तक ना, हर कोई आपका मिसाल देके हमें नीचा दिखाते हैं। ए साधु चुप। वो कहा है ना कप्तान साहब, आपने आपके भाषण में कहा है कि आप हमारे लिए मौका बनकर यहाँ आए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि आप मौका नहीं, अरे आप तो हमारा भाग बनकर इस गांव में पधारे हैं, क्योंकि आज हम पहली बार जीतेंगे, वो भी आपके सामने। ए, चलो रे, आज शाम को जीत के सबका मुंह बंद करना है। घमंड का क्या है, इनका हो के रावण का, टूटता जरूर है। अबे साधु का है? अरे वो क्या बताएगा, हम बताते हैं। हम गया था उसके होम, वो गुड्डू भाभी को लेके अस्पताल गया है। कहे? अरे सुना है गुड्डू भाभी गुड न्यूज दे रही है। अच्छा? प्रेग्नेंट है वो। अबे शादी का करते हैं लोग? अरे कहे करते हैं शादी, साला कसम कहो हमें से कोई शादी नहीं करेगा। अरे मैच खेलने नहीं। अरे पर हमसे तो कोई वैसे भी नहीं करता। और राजकुमार हम तो डाइंग मैरिज के लिए। डाइंग मैरिज? और अभी जो घर में है उसका क्या करे? तू अचार डाल बैठ के। एक तो साले होमगार्ड टीम लिया है, ऊपर से साधु नहीं है, ई बार नाक के साथ साथ सबकी गर्दन भी कटेगी। छोटे सरकार तो सोचो ना क्या करें, सोचो कुछ। ये तो धोखा कर दिया किशनपुर वाले, क्या करें? ए विजय इधर आ, तू खेल आज। क्या सोच रहा है?
हम कैसे खेल सकते हैं? काहे नहीं खेल सकते? तुलसी जी की कसम जो खाई है। आयधा काका, नाक कट जाएगी। एक खिलाड़ी की कमी है। विजय ने कसम खाई है, अगर नहीं खेले तो। जा, कसम वापस ली। धुआंधार कबड्डी, जोरदार प्रदर्शन। कबड्डी 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 भारत के युद्ध जैसा लग रहा है, लेकिन बदलापुर की टीम हर बार की तरह मजाक बनती जा रही है। हारने के लिए मशहूर ये टीम आज भी शुरू से घटिया प्रदर्शन में लग गई है। कबड्डी 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 मोटी खाल के हमारे खिलाड़ी बरसों से बेइज्जती झेल रहे हैं, लेकिन कबड्डी खेलना नहीं सीखे। मेहमानी कर रहा है, झूठ बोल रही है। चुप साले पागल की औलाद। गाली देता सामने साजिद को मारेगा। मार साजिद को। गांव वालों के सामने साजिद को मारा देगा। चल यहां से। विजय, बुरा लगता है तुम्हें जब कोई तुम्हें पागल की औलाद कहता है? धर्मपाल सिंह जी, गलती दोनों की। नहीं, गलती सिर्फ इसकी थी, इसकी। एक बार इसके बाप की वजह से इस गांव का सर नीचा हुआ था, गांव में पुलिस आई, और आज इसकी वजह से दो गांव के बीच दुश्मनी हो गई। जीत गया खेल। मरे हुए बाप की बेइज्जती करा के पड़ गई कलेजे में ठंडक। सच कहते हैं सब, तेरा बाप पागल था और तू भी पागल है। अम्मा तू समझ नहीं रही। एकदम चुप कर। अम्मा उसने बाबा को गाली दी थी। हमसे वादा कर, आज के बाद तू किसी से झगड़ा नहीं करेगा। कोई हमें जान से मारे तो भी नहीं। तूने कभी सोचा है अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते? चल ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। खुश? अम्मा मान जाना, गलती हो गई, मत रो। साले का तुमने मारपीट करने की कसम खाई है? कब से देख रहे हैं तुम मेले में भी इस लड़की के पीछे बौरा रहे थे। मैटर का है, हम दोनों ना लव करते हैं। लव? रहने दे अम्मा। ए, कसम। नाम का है उसका? मालूम नहीं। सपना का ही नहीं बोल देता। देखा नहीं, शहर की मेम जैसी है। दिन में 3-3 बार तो साबुन गस्ती होगी। समझा कर यार, वो हम जैसों के लिए नहीं है भाई। साले हम झूठ काहे बोलेंगे, अम्मा कसम बोले ना लव करते हैं। अरे तो बाल काहे नोच रहे हो? किशन चाचा कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास, तुम कैसे हो? एकदम फिट, आज बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हारी चाची भी यही कहती है। आराम से जाना। हाँ ठीक है। मोरे सैया थाम बैया धूप हो मरे तू मोरी छैया धूप Thank you.
भर्ती होने के बाद भी जिंदा हूँ मैं, कसम से। साजिद, साजिद, जान से मार दूंगा इसका, साजिद को मार, साजिद बात सुन, साजिद, साजिद ये कट्टा, साजिद ये कट्टा उसके हलक में, और जो गोली है ना वो पिछवाड़े से बाहर आएगी। साजिद होश में आ, साजिद क्या, साजिद साजिद को मारा, अयोध्या सिंह के धर्म पे 40-40 लोग रहते हैं, अरे काट के फेंक देंगे हम सबको, अरे हाथ साला अयोध्या सिंह का, साजिद साजिद साजिद, अरे साजिद सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अयोध्या सिंह उसको काम से निकाल दिया है, अरे 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 कल कल सवेरे ही लिटा देंगे उसको हम, समझ साजिद समझ। तो सर ने पहले नहीं बता सकते थे? ए दीनू, तूने पक्का देखा है राजकुमार? देखो हम माइंड से पैदल हैं, आंखों से नहीं है। अच्छा चलो चलो, मान लिया कि दीनू ने पढ़ा कि अलाहाबाद में कबड्डी का बड़ा भारी प्रतियोगिता हो रहा है, 5,00,000 रुपया इनाम है, यहू मान लिया। लेकिन हमको ये बताओ कि हमको उसमें खेलने देंगे और हम जीतते लेंगे, ई बात का क्या गारंटी आए? ए हरी, अबे कितना नर्वसिया गया बे तू, अबे हम कबड्डी के खिलाड़ी हैं, का पता जीत भी जाए। वो जो एंट्री या फीज 5/3 है वो कौन देगा? और आने जाने का खर्चा भी है भैया। हम बताएं, यहाँ से सुबह 4 बजे अलाहाबाद एक ट्रक जाता है, उसमें मुफ्त में जाने का जुगाड़ है हमारे पास। हो गया, बाकी इंतजाम हम कर देंगे। सोचो गलती से अगर हम लोग जीत गए, समझ लो सबके नाम के अंत में जी लग जाएगा, का जी। अबे नाम में जी तो वही लग जाएगा जब मुख्यमंत्री जी हम सबको माला पहनाएंगे। हाँ। वहां मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। हाँ, पर तू नहीं खेलेगा, टीम अपनी असली वाली खेलेगी। अब सब अपने अपने घर जाओ, घर वालों को मनाओ, और ठीक 4 बजे भोर में नुक्कड़ पे मिलो। 7 साल में पहली बार तुम 234 दिन बिना छुट्टी के पूरे किए हो भाई। सरकारी नियम के अनुसार 4 दिन और ड्यूटी कर लिए तो तुम परमानेंट हो जाओगे, हैं? सरकारी नौकरी, और वो भी परमानेंट, फिर तुम्हारी मर्जी। अम्मा मान जाना, अम्मा एक बार मना कर दिया ना, बाकी तेरी मर्जी। अब तू बड़ा हो गया है, अपने मन का मालिक है। अम्मा अम्मा, तू समझती काहे नहीं है, हम जब खेल ही नहीं रहे तो किसी से झगड़ा कैसे होगा हमारा? तो फिर काहे इतनी दूर जा रहा है तू? ए भगवान, अम्मा अम्मा, वहां मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। तो तुझे उसे क्या है ना अम्मा, कैसे नहीं है, हम उनसे मिलेंगे और मिलकर बताएंगे कि हमारे बाबा पागल नहीं थे, उन्होंने 42 गांव में नहर का पानी आया इसलिए अपनी जान दी थी, और हम फिर से बासमती चावल उपजाने वाले गांव बन सके, ये सपना था बाबा का। अम्मा, बाबा की मौत के साथ वो सपना भले ही सबके लिए मर गया हो, लेकिन एक बेटा कैसे भूल सकता है? हम भी चाहते लोग हमारे बाबा का नाम इज्जत से ले, राम परवेश पासी नहीं स्वर्गीय राम परवेश पासी जी कहे। अम्मा, हमें कभी मौका नहीं मिला, बाकी हम हर पल सोते जगते यही सोचते रहे कि बाबा का सपना कैसे पूरा। सरकार, लगता है हरी और बब्बन पूरे जिले का तार जोड़ कर ही आएंगे। अरे देनो, एक बात बता बे, तुम्हारे घर वाले इतनी जल्दी कैसे मान गए? आ, 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 आ,
अरे इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। छोटे छोटे खेल हारते हारते अब तुम अलाहाबाद जा रहे हो हारने। वाह, अरे ऐसे ही तो इतिहास बनता है। अरे तुम काहे रो रही हो दीनू की अम्मा? अरे ये कोई जंग पे नहीं जा रहा, हारने जा रहा है, हारने। जा बेटा जा, हार के आना। अरे तू चुप कर। साले तू नहीं सुधरेगा बे। इसका बाप भी मुंह खोल के खड़ा हुआ हमारा पूरा। ए राजकुमार, ये लो आधी किश्त तो आ गई हमारी। हरी का है? नहीं, वो नॉट कमिंग। वो कहा है ना, उसका ड्यूटी है। 6 साल हर बार का यही नौटंकी है। कभी किसी का बाइक प्रेग्नेंट हो जाता है, कभी किसी का ड्यूटी लग जाता है। छोटे सरकार, नहीं, एक तो साला 2 कौड़ी का बिजली दफ्तर में एक्स्ट्रा का काम करता है, और हम सब जैसे सब मक्खी मार है। नहीं, अरे छोटे सरकार, आप कहे अपना उससे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अरे उससे ज्यादा दिहाड़ी वाले तो 50 से ज्यादा मजदूर आपकी मिल में काम करते हैं सरकार। चिट राजकुमार, उसका नौकरी टेम्पोररी है और 6 जनों का फैमिली है उसका। 4 डेज और काम कर लेगा तो उसकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। अब तुम ही लोग बताओ क्या करता यार। नहीं राजकुमार, हरि ने ठीक किया। पहले परिवार और कबड्डी गई चूल्हे में है ना। कहा बात कर रहा है ये? अब जाएंगे तो हम जरूर। अभी साला वो हरि का बदकिस्मती है और तुमरा खुशकिस्मती है। चचुंदर अब तू खेलेगा, समझा? का ए खलीफा, इतना बड़ा है सब कुछ। ये तो अपने गांव के मेले से भी बड़ा है। हाँ रे, इस साला इसको कहते हैं कपट्टी। अंदर चलते हैं, मेन लोगों को धरते हैं। हाँ, देख वो है रास्ता। हाँ, हाँ, चलो 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 सब लोग चलो। बाप रे बाप, पूरा इलाहाबाद यही आ गया। का झन्नाटेदार नजारा है। ए का ये? ए भाई रुकना। ए प्लेयर्स के लिए। ए तो क्या हुआ, हम भी प्लेयर है। प्लेयर्स है। ए छोटे सरकार को ऐसे का देखता बे? अरे छोड़ना। ए कपार चीर देंगे। मेन लोग वहां बैठे हैं, आ जाओ आ जाओ। साधु चल चल, चल। साहब हम लोग बहुत दूर से आए हैं, कीरतपुर जिला से। साहब साहब बस एक मौका चाहिए। साहब बिना खेले गांव गए तो भारी बेइज्जती हो जाएगी साहब। हम लोग समझते क्यों नहीं, क्या हो रहा है? देखिए सर इनको। अरे साहब नमस्ते। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे विजय तुम? साहब हम लोग भी खेलना चाहते हैं। खेल खेलना चाहते? ये लोग खेलने की जिद कर रहे हैं। अब बताइए, टीम प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन सिस्टम है, तो अब इसमें एक सिस्टम है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। चल सर जी, हम गांव से बड़ा होप लेकर आए सर। हाँ, देखिए मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। हाँ जी, लेकिन ये स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है और यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको प्रतियोगिता खेलनी पड़ेगी तहसील लेवल पर। वहाँ जीत गए तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीतने के बाद ही आपका प्रवेश यहाँ पर संभव है। पर साहब हम देखो भैया इस टूर्नामेंट में टोटल 32 टीमें भाग ले रही हैं और 32 की 32 टीमों के नाम अनाउंस हो चुके हैं। अब किसी और के लिए कोई जगह नहीं। देखो देखो मेरी बात तो सुनो एक प्लीज। नमस्ते सर। लेकिन साहब जी हम तो बरसों से कबड्डी खेल रहे हैं। अरे भैया ये तुम्हारे गाँव की कबड्डी नहीं है, यहाँ के नियम कायदे अलग है, डिफरेंट है। सीख लेंगे हम। हाँ सब सीख लेंगे। सच सीख लोगे? हाँ सीख लेंगे। इधर आओ, तुम लोग भी आओ। अच्छा हाँ ना, ये क्या है? ये मैदान है सर जी। तुम्हारे यहाँ इस कबड्डी के मैदान में कितनी लाइंस होती हैं? ओनली 1 लाइन होती है जी। यहाँ होती है ओनली 2, 1, 2। अच्छा ये 1 लाइन का क्या मतलब है? कुछ नहीं। यहाँ बहुत कुछ मतलब है। इसको टच लाइन कहते हैं। इस टच लाइन को अगर टच नहीं किया
तो आउट आउट। आप देख रहे हैं दूसरी लाइन, इस लाइन को टच कर लिया और वापस लौट गए तो बिना किसी को मारे हुए एक पॉइंट मिल जाता है, बोनस पॉइंट। बिना किसी को मारे हुए आधा गेम हो जाने के बाद साइट बदल जाता है। तुम्हारे गांव में टाइम लिमिट क्या होती है गेम की? जब तक चाहो। यहां पे टाइम लिमिट है 40 मिनट्स, और हर टीम को 40 मिनट गेम खेलना कंपलसरी है, समझे? तुम्हारे यहां हार जीत का फैसला कैसे होता है? जब एक टीम के सारे खिलाड़ी मर जाते हैं तो हार जाते हैं। यहां हार जीत का फैसला पॉइंट्स के आधार पर होता है जी। बहुत सारे नियम कायदे हैं, समझने में बहुत टाइम लगेगा। अगले साल सही समय पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि कब और कैसे करना है। अभी फिलहाल तुम लोग जाओ और दिल लगाकर प्रैक्टिस करो। सब 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 सर जी, वो हम लोग एक मौका। विजय, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। सॉरी, वैसे तुम लोग गांव कब जा रहे हो? जी कल सुबह। अरे तो आज रात का 9 बजे का नॉकआउट सीरीज का पहला मैच देखो, सीखने को मिलेगा। ठीक है सर जी। साहब जी, क्या हो गया? सिंह साहब, बलिया टीम की बस का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। नॉकआउट सेक्शन के लिए हमारे पास सिर्फ 31 टीमें ही हैं। वी नीड वन मोर। हम यहां आ जाओ। हाँ, ये जो लड़के आ रहे हैं ना, इनको लेकर हमारी 32वीं टीम बन सकती है और हम नॉकआउट टूर्नामेंट शुरू कर सकते हैं। ये लेकिन सिंह साहब, सिलेक्शन प्रोसीजर के हिसाब से तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया में अगर आप जाओगे तो आपके सामने दो रास्ते बचेंगे। एक रास्ता ये है कि ये टूर्नामेंट बंद कर दो, रद्द कर दो, या फिर जो है इनको लेके आ गए। सिंह साहब, सिंह साहब। नमस्ते, नमस्ते। देखो भाई, तुम लोग टूर्नामेंट खेल रहे हो और आज ही तुम्हारा मैच है। आज ही? आज? 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 जाओ फॉर्म भरो। चलो चलो, कोई कोई, फटाफट। सिंह साहब, आपको लगता है कि ये लोग उस लायक हैं? I doubt 10 मिनट भी ये लोग टूर्नामेंट खेल पाएंगे। मैंने इनको खेलते देखा है, देसी हैं, लेकिन खेल लेंगे। ओके ओके, देयर इज नो चॉइस। नो चॉइस जो है वो। हाँ बोलो। हाँ जी जी, वो साहब, वो सब कुछ भर गया, बस टीम का नाम बाकी है। टीम का नाम? जी ला, मुझे दो। पचहत्तरवें उत्तर प्रदेश कबड्डी टूर्नामेंट के पहले नॉकआउट मैच में मुगल सराय टीम के सामने है कैपिटान बदलापुर बॉय। फाइनल तक का सफर लंबा और मुश्किलों से भरा है, लेकिन हर एक टीम उसी सपने के साथ यहाँ आई। कबड्डी रेडर आउट, टच लाइन में। अरे क्या हुआ? पहली लाइन को नहीं छुआ। अरे आउट कैसे हो गए? बोले थे कोच साहब लाइन टच करने के लिए। अरे वो लाइन टच नहीं किया। दिमाग खोल के खेलना भाई, बहुत नियम है यहाँ। कबड्डी लग रहा है जैसे टीम कबड्डी के बेसिक रूल से भी अनभिज्ञ है। अपने कोर्ट में वापस आना भी जरूरी नहीं समझ रहे इनके खिलाड़ी। कबड्डी 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 बदलापुर बॉयज ने अपना खाता खोल लिया। देसी अंदाज में ही सही, लेकिन रेडर पर अटैक जोरदार था। कबड्डी 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 बॉयज मिलने से मनोबल तो बढ़ता ही है, ऊपर साफ नजर आ रहा है। और ये बोनस पॉइंट टू बदलापुर बॉयज। बदलाव लाने के मुगल सराय 2 पॉइंट। छोटी सरकार अकेले पड़ गए थे।
और बदलापुर बॉयज के खिलाड़ी अपने बचकाने खेल से लोगों का मनोरंजन खूब कर रहे हैं। मार क्या ना गुलदस्ता नजर आ रही है टीम। मुगलसराय टीम को एक बेहतरीन टीम साबित कर रही है। और ये हाफ टाइम मुगलसराय लीड कर रही है 8 पॉइंट से और बदलापुर बॉयज के सिर्फ 2 पॉइंट। साला ये लोग कबड्डी खेल रहे हैं कि हमारी मार रहे हैं? मुझे ऐसा ही लग रहा है। सिंह साहब आ रहे हैं। अच्छा खेले तुम लोग, लेकिन जीतने के लिए तुम्हें बहुत अच्छा खेलना होगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? जी 5,000। निकाल, मुझे दो, मुझे दो ना। जी साहब, अब ये पैसे तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम यहां से जीत के जाओगे। तुम लोग सब सिर्फ अपने अपने लिए खेलते हो, एक दूसरे के लिए नहीं खेलते और ना ही एक दूसरे के साथ खेलते हो। इसलिए टीम होने के बावजूद तुम्हारी कोई टीम नहीं है। चोट इसे लगे तो दर्द इसे उठे और टी से ये मारे तब बनती है बात। तुम कहते थे ना गांव में तुम्हारी थोक के भाव से बेइज्जती हो रही है। अगर थोक के भाव से इज्जत पानी है तो पागलों की तरह लड़ मरना होगा जीत पाने के लिए, समझे? ये इंतजार कर रहा है। सेकेंड हाफ फर्स्ट एंट्री। सेकेंड हाफ का खेल शुरू हो चुका है। दर्शक कबड्डी के रोमांच से ज्यादा हंसने के लिए तैयार हैं। कबड्डी। अब देखना है कि खेल में अचानक से आया ये बदलाव। कबड्डी। कबड्डी 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 ग्राउंड में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये बदलापुर बॉयज के खिलाड़ी नहीं समझ रहे हैं। खैर अभी भी 5 अंकों की बढ़त के साथ मुगलसराय की टीम आगे चल रही है। अब देखना है कि आगे के खेल में पलड़ा किसका भारी होता है। सेफ एंट्री। बोनस 5 खिलाड़ियों के जिंदा रहने पे मिलता है। बोनस पॉइंट तभी मिलता है जब सामने कम से कम 5 खिलाड़ी हो। कबड्डी 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 खेल के साथ नियम का ज्ञान भी जरूरी है। वैसे खेल का सब पूरा नहीं है बदलापुर बॉयज का। सब अगर आज आपने हमें सही राह नहीं दिखाई होती ना तो आज भी हमारे साथ वही होता जो आज तक होता रहा है। हाँ साहब, गुड टीम वर्क। सिंह साहब,
अरे अरे प्रधान जी कैसे हैं? गुड इवनिंग। मैं प्रधान दुर्गा प्रसाद शंकर। नमस्ते। ये मेरी बेटी है मंजरी। नमस्ते। नमस्ते। मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर हूँ। अच्छा अच्छा। ये बदलापुर बॉयज हैं। अरे दिनेश दिनेश हाउ आर यू? गुड सर। ये दिनेश सिंह है, रेलवे टीम के कैप्टन है और कबड्डी के तगड़े खिलाड़ी। नाइस मीटिंग यू सर। सेम हियर सर। वी आर वेटिंग फॉर यू। ओके ध्यान रखना। आइए सर। राम राम साहब। लेट्स गो। क्यों ना एक फोटो हो जाए सबकी। आइए। अकेली औरत पूरे गांव की मुसीबत। कसम खा कि कभी भी काम छोड़कर खेलने नहीं जाएगा। कसम खा। वहां मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। मुझे उससे क्या है ना अम्मा, हम उनसे मिलेंगे और मिलकर बताएंगे कि हमारे बाबा पागल नहीं थे। चल यहां से पागल की औलाद। बाबा की मौत के साथ वो सपना भले ही सबके लिए मर गया, लेकिन बेटा कैसे भूल सकता है। वापस आने के लिए जा रही हूँ। चाहते हो अगले मेले में आने तक खुश रहूं? तो हंसकर विदा करो। मुझे देर हो रही है। और अगर हम जाने ना दे तो? तेरी दो अखियां, तेरी दो अखियां, तेरी दो अखियां, तेरी दो अखियां, अखियां 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 अखियां, तेरी दो अखियां, तेरी दो अखियां, तेरी दो अखियों में खो गया दिल मेरा तेरा हो गया। तेरी दो अखियों में खो गया दिल मेरा तेरा हो गया। इतनी भी मुझको खबर नहीं, इतनी भी मुझको खबर नहीं, कब जागा मैं कब सो गया। तेरी दो अखियां, तेरी दो अखियां, तेरी दो अखियां, तेरी दो अखियां, अखियां 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 अखियां, तेरी दो अखियां, तेरी दो अखियां। तुझसे मिली नजर तो मैं हो गया दीवाना। ओ तुझसे मिली नजर तो मैं हो गया दीवाना। तन्हाइयों में तेरे लिखता रहा फसाना। बातों में है तेरी कोई जादू, होने लगी हूँ मैं कभी काबू।
आप यहाँ और मैं आपको वहाँ ढूंढ रही थी। अरे आप गई नहीं? वो पापा सिंह अंकल के साथ कुछ बात करने गए हैं। वैसे आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? नहीं हम वो अकेला बैठा इंसान तभी मुस्कुराता है जब वो प्यार में हो, और अगर प्यार पहली नजर का हो और ऊपर से नया तो बात ही कुछ और है ना? मंजरी चलो। अरे पापा बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ। I'll see you later. Bye. मिलेंगे आपसे, इंतजार करना। कबड्डी 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 कबड्डी। दिनेश 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 कम हियर। यस कोच। ये जो तुम्हारी उस साइड की ब्लॉकिंग की पोजीशन है वो फॉल्टी है, कोई भी तगड़ा रेडर आया तो निकल जाए। दिनेश आई थिंक कोच इज राइट मैन। इट्स नॉट दैट सिंपल सर, बाहर से देखने और अंदर आके इतने स्विफ्ट खेलने में बहुत फर्क है। मैं जानता हूँ आप यही कह रहे हैं ना, इस सेंटर में आए हुए को ब्लॉक करने के लिए मेरी लेफ्ट अटैक थोड़ी लेट आ रही है। यू आर राइट। प्लीज सर मुझे भी बताएं। अच्छा चलो मैं ट्राई करके देखता हूं। ओ वाओ ये हो गया, सही और गलत। कोच लेट्स प्ले सम कबड्डी। आई एम ब्लॉकिंग। कबड्डी 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 कबड्डी। अदरवाइज मैंने आपको किसी के कबड्डी से इतना ज्यादा इंप्रेस्ड इतने कम समय में होते कभी नहीं देखा सर। नहीं खासियत तो है मतलब इनके एक एक बंदों में ना सर कुछ कुछ बात है सर। आई एम ट्राइंग टू रीड बट आई एम नॉट गेटिंग इट सर। नहीं नहीं वो जो छोटा खलीफा है ना। हाँ हाँ सर। उसके अंदर चीते की फुर्ती है। राइट सर। और वैसे ही घात लगा के अटैक करता है। दीनू दिखने में मोटा है, सुस्त है, गब्दू है, लेकिन एक बार अगर उसके हत्थे कोई चढ़ गया जी तो समझ लो हाथी की सूंड में जकड़ गया। राजकुमार तगड़ा है, रोड रोलर की तरह सामने वाले को उठा के बाहर फेंक देता है। राइट सर राइट। विजय वो है मिस्टर डिपेंडेबल, हर सिचुएशन के अंदर काम एंड कूल शांत, ऐसा है। हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। राइट सर। अच्छा क्या आपने मुझे सब कुछ बता दिया सर। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर ये देहाती फाइनल्स में आ गए तो इन लोगों को मैं रौंद के रख दूंगा, यू मसल के। एंड यू नो मी सर, आई कैन डू इट। दिनेश चल 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 एक मिनट। यस सर। तुम लोग खेलो खेलो कंटिन्यू। एक बार बताओ प्रकाश की जगह कौन, सूरज के फिरोज, तुम्हारे हिसाब से कौन बेटर? प्रकाश खेलेगा, लेकिन प्रकाश पूरी तरह से फिजिकली फिट नहीं है। लुक कोच मैंने डिसाइड कर लिया है कि प्रकाश ही खेलेगा। तुम अकेले डिसाइड करने वाले कौन होते हो? तो क्या यहाँ पर सारे फैसले आप ही लोगे? मैं कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला। नहीं होते हो, तुम कैप्टन हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस तुम और मैं दोनों मिलकर लेते हैं। तो आज से समझ लीजिए सर कि सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस सिर्फ मैं ही लूंगा। अच्छा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। हाँ तो बात खत्म हो जाती तो होने दीजिए खत्म। यू आर क्रिएटिंग अ सीन आउट हियर सर एंड आई गॉट टू सॉर्ट दिस आउट राइट नाउ। ठाकुर साहब एक सेकेंड सर, आई नीड टू टॉक टू यू सर प्लीज। क्या हुआ सिंह साहब, व्हाट हैपेंड दिनेश? सर जी अगर ये बंदा टीम का कोच है तो मैं इस गेम में नहीं हूँ। And you know what, sir ji? This guy is favoring and patronizing those third grade players, Badlapur boys. Singh sahab, आप बहुत काबिल इंसान हैं। आप क्यों इन पचड़ों में पड़ते हैं? मैंने आपको पहले भी हिंट किया था कि दिनेश आपसे खुश नहीं है।
ठाकुर साहब, मैं किसी को खुश करने के लिए गेम नहीं खेलता हूं। मैंने कबड्डी के गेम को अपने जीवन के 38 साल दिए हैं। मुझे अपना नाम बनाए रखने के लिए ना तो आपकी इस फेमस टीम की जरूरत है और ना ही आपकी जरूरत है। मुझे कबड्डी आती है ठाकुर साहब, मगर आपको आती है कबड्डी की पॉलिटिक्स और उसकी तिकड़मबाजी। जिस खिलाड़ी ने चमचागिरी कर दी वो अंदर आ गया और डिजर्विंग गरीब खिलाड़ी लाइन के बाहर बैठ गया। ये किया है आपने, सत्यानाश कर दी। मिल जाएगा आपको मेरा रिजिग्नेशन। बदलापुर बॉयज के साधु यादव ने एक और पॉइंट का इजाफा करवाया।
पलटवार के लिए गाजियाबाद के कप्तान ने एंट्री कबड्डी 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 मतलब गाजियाबाद में रेडर की लात लगी है खेल जोखिम भरा है जरा सी बिच्छू हादसा बन सकती है कबड्डी कबड्डी सेफ एंट्री वैसे आक्रामक खेल के लिए गाजियाबाद टीम जानी भी जाती है कबड्डी 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 विजय तू जा सेफ एंट्री राजकुमार ए रुक 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 शायद अपने खिलाड़ियों का मनोबल ठीक करने के लिए स्ट्रेटेजिक टाइम मांगा है क्या है जंग खुद मर के नहीं जीती जाती जंग दूसरों को मार के जीती जाती है डर को मारो गो बैक अब देखना है दिया गया मंत्र क्या काम आता है बदलापुर बॉयज की टीम 4 अंकों से आगे चल रही है और एक पॉइंट बदलापुर बॉयज 1 पॉइंट बहुत बढ़िया कम ऑन विजय कम ऑन ए दिनू रुक विजय जा कैप्टन ने रणनीति के हिसाब से फिर से स्टार खिलाड़ी विजय को भेजा अब तक का स्कोर बदलापुर बॉयज 10 और गाजियाबाद 3 फर्स्ट एंट्री सेकंड हाफ में गाजियाबाद के रेडर नई रणनीति के साथ हमला कर रहे हैं गाजियाबाद ने भले ही एक अंक जोड़ा हो बोनस पॉइंट लेकिन बदलापुर बॉयज की टीम ने गेम को जकड़ रखा है कबड्डी 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 बोनस पॉइंट को भी क्या करते हो तुम लोग गाजियाबाद के कोच शफी ने अब स्ट्रेटेजिक ब्रेक मांगा है अब देखना है उनकी रणनीति क्या होने वाली है गाजियाबाद के खिलाड़ी जान बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं कबड्डी 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 सेफ एंट्री कबड्डी 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 फिर से सेफ एंट्री क्या यार समझ नहीं आ रहा ये कैसी नीति है अब कौन जाएगा कम ऑन बॉयज कम ऑन विजय तू जा नहीं विजय नहीं रुक 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 तू जा खलीफा जा कबड्डी फिर से बदलापुर बॉय से खलीफा को सुरक्षित जाने दिया कबड्डी 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 खेल हो रहा है फिर से विजय किस तरह तो गाजियाबाद की टीम मैच आ जाएगी कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी मंजरी, तुम अब घर चली जाओ। तुम्हारी माँ चिंता कर रही होगी। इट्स ओके विजय, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं होगी क्योंकि वो जानती हैं कि मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। यू नो विजय, जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे लगने लगा है। मंजरी, हम किसी और से प्यार करते हैं। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तो दोस्ती की बात कर रही थी, हमारी दोस्ती की। विजय, कुछ सब नहीं नहीं लेटर। विजय, विजय, अब तबीयत कैसी है? बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं, हम जीत गए विजय, और कल हम फाइनल खेल रहे हैं। हाँ, कल हम लोग फाइनल खेल रहे हैं रेलवे टीम से। अरे क्या फर्क पड़ता है, सामने कोई भी हो। अरे नहीं, रेलवे टीम को हराकर कोच साहब को गुरुदक्षिणा जो देनी है। लेकिन विजय, विदाउट टुमरे वी नॉट विन। बिना हमरे का है? हम बिल्कुल ठीक है। विजय, तू नहीं खेल पाएगा, तेरे कंधे में चोट है। अरे मामूली चोट है विजय। ये ठीक कह रहा है, तुम लोग इस लेवल तक पहली बार खेले और पहुंच गए फाइनल तक। अब अगली बार नहीं कोच साहब, हम इसी बार खेलेंगे और मुख्यमंत्री जी से इनाम भी लेंगे। एक्सक्यूज मी, मिस्टर सूरजभान सिंह। जी मैं। आप मेरे साथ आइए, आई नीड टू टॉक टू यू प्लीज। ओके सर। कोच साहब, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? वो कंधा थोड़ा हल्की चोट। कोच साहब, कंधे में चोट है तो फिर वो कैसे खेलेगा ऐसी हालत में? विजय कल फाइनल खेलेगा तो उसके पास रहे। जा दिनू। पूछ, तू पूछना। अरे मैदान से अस्पताल जाते वक्त होश में कौन था? तुम के हम? हम आंख बंद करके गए थे का? पूछ। पूछते हैं। ए भैया, ये कौन सा रास्ता है? आते वक्त तो किसी और। अरे भाई सबर करके बैठ, डायरेक्ट पहुंच जाएगा, समझे तो शॉर्टकट में। और भाई लोग चल बे, वजनी आइटम बाहर निकल, चल चल 61-62 हो, चल 61-62 मतलब नहीं समझा क्या? अरे क्या कर रहे हो भैया? निकल बाहर उसको। अरे, चल चल बाहर। Ah!
बाढ़ आई, उसके लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई मदद कर रही है? हरी, अब्बन हम परमानेंट हो गए। अम्मा, तूने तो कहा था कि तू खेलेगा नहीं। अम्मा वो पगली, कैसे है तू? बेटा है ये, सेमीफाइनल में तुम लोगों की पोजीशन थी, लेफ्ट कॉर्नर में थे दीनू बब्बन, राइट कॉर्नर में थे साधु और खलीफा, सेंटर में राजकुमार, खेसारी और विजय। सब अचानक ये बदलाव? बेटा, बदलाव की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि जब मैं रेलवे टीम का कोच था तब मैंने उन लोगों को तुम्हारी स्पेशलिटीज के बारे में बता दिया था। कुछ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हरी आ गया है तो विजय की जगह हरी खेलेगा। साहब, लेकिन विजय का खेलना वेरी इंपॉर्टेंट है। कैप्टन कौन है, तुम कि हम? लेकिन राजकुमार, जो टीम अभी तक जीतती आई है उसी का फाइनल खेलना सही है। तुझे नहीं खेलना मत खेल, लेकिन विजय नहीं खेलेगा, समझा तू? राजकुमार, विजय नहीं खेलेगा, इस बात का फैसला लेने के लिए तुम्हें नोट कितने मिले? कुछ सब अब गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही सोच रहा हूँ जो सोचने के लिए तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। तुम बिक गए हो। कोच सर, राजकुमार ये लो 5,00,000 रुपए। और हाँ, सूर्यकांत साहब तुम्हारी रेलवे में नौकरी भी लगवाएंगे, लो रख लो। लेकिन याद रहे, विजय नहीं खेलना चाहिए, समझ गए? क्या हुआ राजकुमार, ऑल सेट? टीम में कोई चेंज? जल्दी करो वरना ठाकुर साहब। वो ठाकुर साहब, बेहतर होगा कि आप इन सब से थोड़ा दूर ही रहें। सिंह साहब, आपकी इन्हीं ऊल जलूल हरकतों की वजह से आपको रेलवे टीम छोड़नी पड़ी थी, कहीं ये स्टेडियम भी छोड़ना ना पड़ जाए। मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको एक कोच नहीं, आपको तो एक पॉलिटिशियन होना चाहिए था। दूर हो जा, सारे स्टेडियम के सामने नंगा कर दूंगा, भाग जा। तुम में से जो मेरे साथ है वो यहां है मेरे पास। लेकिन कोच सर, वन प्लेयर का लॉस अभी भी है। हाँ सर। कोच साहब, सातवां प्लेयर मिल गया है। कौन?
साजिद ए विजय क्या बात कर रहे हैं तू? अबे विजय विजय पागल हो गया तू? अच्छा अच्छा ए साजिद अरे सर इधर पागल हो गया साहब विजय की बात में आ रहा है साजिद साजिद इसको मत ये नहीं साहब ये नहीं कैसे खलीफा साजिद बदलापुर बॉयज के लिए खेलेगा बदलापुर बॉयज फॉलो उत्तर प्रदेश कबड्डी टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार कोई डेब्यूटेंट टीम फाइनल तक पहुंची है माननीय मुख्यमंत्री जी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं दो साल से इस कप पर अपनी दावेदारी जमाए इंडियन रेलवे का मुकाबला है सबकी फेवरेट टीम बदलापुर बॉयज से इंडियन रेलवे टॉस हो चुका है और पहली एंट्री बदलापुर बॉयज टीम करेगी फर्स्ट एंट्री बदलापुर बॉयज पहली एंट्री बबन सिंह ने की रेलवे को गेम में वापस आना होगा इंडियन रेलवे 2
आखिरी खिलाड़ी कैप्टन दिनेश कबड्डी और बदलापुर बॉयज 11 मिनट्स लेफ्ट रेडी से आते छोड़ चंदली साले तुम लोग घुसने क्या कर रहे हो उनमें कोई झड़प हो रही है खेल के 20 मिनट अभी पूरे नहीं हुए हैं इसलिए फिर से सारे खिलाड़ियों के साथ खेल शुरू गेम रिज्यूम और एक पॉइंट विजय विजय को तोड़ रेलवे टीम को पॉइंट बटोरने होंगे क्रोध में मत खेलो संभल के खेलो बोनस से कुछ नहीं होगा बोनस के बल पर तुम गेम नहीं जीत सकते यू हैव टू अर्न यू हैव टू किल देम गो बैक चल खलीफा मैं बताता हूं उसको आखिरी एंट्री ये एंट्री ही निर्णायक होगी दिनेश या विजय रेलवे या बदलापुर बॉयज कबड्डी 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 कबड्डी
बदलापुर बॉयज के खिलाड़ी खलीफा छठे मेडल के हकदार बने हैं और आखिरी सातवां मेडल मरणोपरांत विजय राम प्रवेश पासी को दिया जा रहा है, जिसे कोच सूरजभान सिंह जी ग्रहण कर रहे हैं। मैं बदलापुर बॉयज के कोच श्री सूरजभान सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे दो शब्द अपने पसंदीदा खिलाड़ी के लिए कहें। कुछ कहने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूं। इन चार शब्दों के पीछे छुपी हैं बदलापुर गांव के लोगों के दुखों की कहानियां। विजय यहां किसी नाम या इनाम के लिए खेलने नहीं आया था, वो तो यहां आया था कुछ साबित करने कि उसका बाबा पागल नहीं था। उसके बाबा ने तो बलिदान दिया था, सबके दुख मुसीबत पीड़ाओं को उसने अपनी पीड़ा मुसीबत और दुख समझ लिया। बस मन में एक ही लगन थी कि किसी तरह से भी सीएम साहब तक ये पहुंच जाए बात, सीएम साहब को ये खबर हो जाए तो नहर खुद जाएगी। ये गांव के लोग सीएम को भगवान की तरह समझते हैं। सीएम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, गांव की खुशहाली के लिए राम प्रवेश पासी ने अपनी कुर्बानी दे दी। सारा गांव देखता रहा, राम प्रवेश पासी की कुर्बानी को पागलपन कहा गया और उसके बच्चे को कहा गया पागल की औलाद। ऐसी ही पीड़ा के साथ ये बच्चा बड़ा हुआ और ठान लिया इसने कि एक दिन अगर मौका मिल गया तो सारी दुनिया के सामने साबित कर दूंगा मेरे बाबा ने कुर्बानी दी थी, मेरे बाबा पागल नहीं थे और ना ही मैं पागल की औलाद हूं। उस गरीब को यह मालूम नहीं था कि इन गुजरे हुए सालों में न जाने कितने सीएम आए और न जाने कितने सीएम चले गए, लेकिन नहर नहीं बनी, बाबा की तरह अब उसे कुछ करना होगा। इसी सोच के साथ विजय यहां खेलने आया, ये जानकर खेलने आया कि आज का खेल उसका आखिरी खेल है। सेमीफाइनल के मैच में उसका सिर्फ कंधा नहीं टूटा था। मिस्टर सिंह ये देखिए, ये रिप्स टूटी हुई है और एक रिप तो हार्ट को पेनिट्रेट करते करते रह गई, अगर जरा सी भी चूक हुई तो। इनफैक्ट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप विजय को ऑल इंडिया मेडिकल साइंस दिल्ली ले जाइए। और हाँ मिस्टर सिंह, अगर गलती से भी विजय लेफ्ट साइड गिरा, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। कोच साहब, इसी दिन का इंतजार था आप। विजय समझो, खेल बहुत खतरनाक है, जान जा सकती है। खुद साहब, हमारी जिंदगी, हमारी मौत, हमारे वजूद से कहीं ज्यादा बड़ा वो सपना है जो बाबा ने देखा था। सीने का दर्द, उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो पिछले 17 सालों से हम झेल रहे हैं। गरम तेल की तरह वो शब्द हमारे कानों में गूंज रहे हैं जिसमें हमारे बाबा को पागल और हमें पागल की औलाद कहा गया। कोच साहब, हम जानते हैं हमारी मौत रंग लाएगी, क्योंकि बाबा कहते थे कि किया गया प्रयास बड़ा है या छोटा, सफल है या असफल, लिए गए संकल्प और दृढ़ निश्चय से तय होता है।
और विजय चला गया। जैसे उसके बाबा ने कुर्बानी दी थी, वैसे ही इस बच्चे विजय ने कुर्बानी दे दी। आज आपने मुझसे बोलने के लिए कहा है, मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब किसी गुरु को गर्व हो अपने शिष्य के ऊपर। आज ये सूरज भान सिंह विजय जैसे शिष्य को पाकर धन्य हो गए। बताने जा रहा था उसे यही कि विजय, ए दिनू, जब विजय हमारे लिए जिंदा है तो उसके लिए उसे क्यों मार रहा है? लेकिन तुम अकेले रह लोगी ना? बाबा से मिलकर सुकून मिलता है। जीवन सार्थक है या निरर्थक, मृत्यु से पहले जनहित में किए आपके प्रयासों से तय होता है।